आज कुश्ती पहलवान साक्षी मलिक ने उस खेल को अलविदा कह दिया जिस खेल ने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूम में अपने जूते यहां पर रख कर उन्होंने कह दिया कि अब मैं कुश्ती त्याग रही हूं, क्योंकि आज ही के दिन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में नए अध्यक्ष चुने गए संजय सिंह, जो कहा जा रहा है ब्रिजभूषण सरन के ही नजदीकी और करीबी इंसान है। इन सब वाक्यों को देखकर साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें साबित कर दिया कि अब उनसे अब लड़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि जितना वो लड़े संसद के बाहर, सड़क के बाहर और कुश्ती पहलवानों की अच्छाई के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी वो नाकामयाब रही, क्योंकि अब भी उनका कहना है कि अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह के ही लोग रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में चुनकर आएंगे, 40 वोटों से जीत कर आएंगे, तो उनकी लड़ाई नाकामयाब हुई। आज साक्षी मलिक ने यहां जूते रख कर और आंखों में आंसू थे उनके जब उन्होंने ये कहा कि मैं कुश्ती त्याग रही हूं। अंत में हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका जो उसका बिल्कुल सही होगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है वो, अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। अब पहले इतना बड़ा फैसला लेने का, इससे क्या मैसेज जाता है, क्योंकि कई महीनों से, 1.5 साल लगातार उन्होंने लड़ाई लड़ी है जंतर मंतर पर, संसद के बाहर, लेकिन इन सब के बावजूद भी सवाल पहलवानों की तरफ से यही था कि क्यों इस तरीके से WFI का इलेक्शन हुआ, जो उन्होंने शर्तें रखी थी वो पूरी नहीं हुई, और अब ऐसा लगता है शायद साक्षी के साथ साथ विनेश और बजरंग भी शायद कुछ ऐसा करें, क्योंकि अब आगे चलकर विनेश और बजरंग का क्या होगा ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन बहुत ही सिंबॉलिक तरीके से आज साक्षी मलिक ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है।